गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम सीजीपी अपन में जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर का है, ये हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते चल रहे थे, उसका एटीट्यूड और रीजनिंग 2018 और 17 का सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे 2015 का जो पेपर था वो, ठीक है। उसका एप्टीट्यूड पार्ट 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें, तो 30 out of 30 पूरा देखेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन पेपर है, जो आपका ऑफिसियल क्वेश्चन पेपर है वो, अगर मुझे मॉडल आंसर मिलता है तो वो भी, और जो हम लोग पढ़ेंगे सबका स्लाइड नोट सबका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ये हमारे कुछ प्रीवियस प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप इन सब भी को भी जरूर देखिएगा। 2021-22 में आपका पीएससी का, व्यापम का, जितना एग्जाम हुआ है सबका एप्टीट्यूड रीजनिंग हम लोग देख चुके हैं। और ये जो हमारा रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, इसका होने का है अभी एग्जाम, एक्सपेक्टेड है। तो 2015 हम लोग आज देखेंगे, 2017 देख चुके हैं, 2018 देख चुके हैं, तो जब 2022 का होगा तो हम लोग इसको भी देख लेंगे, ठीक है। आपको जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो ये थंबनेल है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो भी आप क्लिक करेंगे वो आपका वीडियो खुल जाएगा। और सिमिलर हमारा पटवारी का एग्जाम होता है ना, तो पटवारी का भी हम लोग 2015, 16, 17, 19 और 22 का सॉल्व कर चुके हैं, इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें भी आप क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग पटवारी में 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे, है ना, वही सिमिलर था, वही सेम क्वेश्चन आपके ऑफिशियल साइट में RI 2015 के नाम से है। तो इसके आगे हम लोग वीडियो वही वाला कंटिन्यू करेंगे जो हम लोग 2015 में किए थे। आपको जो भी डाउट रहेगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके डाउट कर लीजिएगा, या फिर जिस भी टाइम इंटरवल में, ठीक है, लाइक आपको 10 मिनट और 20 सेकंड में डाउट है, ऐसा टाइम लिखकर आप डाउट कमेंट कर लीजिएगा, हम लोग किसी भी लाइव क्लास में डिस्कस कर लेंगे, कमेंट में चाहेंगे तो कमेंट में डिस्कस कर लेंगे, इमेज भेज कर पूछना चाहेंगे तो हम लोग टेलीग्राम पर, टेलीग्राम के ग्रुप पर आप इमेज भेज कर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी पिछले क्लास पर। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा था, है ना, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। अभी जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ये सेट बी है, है ना, 2015 का सेट बी है, ठीक है। देखते हैं क्या है, अ सम ऑफ मनी पुट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन टू ईयर टू इतना, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको हम लोग हिंदी में चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, दो साल में कितना हो गया है, 663 हो गया है, ठीक है। और क्या है आगे, एंड इन थ्री ईयर्स इतना, ठीक है, 714 रुपीज। Then the rate of interest per annum is, यहाँ पर approximately लिखा हुआ है, approximately मतलब हमको exact answer नहीं भी मिलेगा तो आसपास का, है ना, आसपास का decimal में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, क्वेश्चन वही है, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में वही है। देख लीजिए चक्रवर्ती ब्याज था, दो साल के लिए 673, तीन साल के लिए 714, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, चक्रवर्ती ब्याज में जो हमारा अमाउंट होता है, है ना, अमाउंट मतलब क्या, जो आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जितना प्रिंसिपल है उसमें हर साल आपको आर परसेंट बढ़ते जाता है, ठीक है। एक साल रहेगा इतना, दो साल रहेगा यहाँ दो हो जाएगा, तीन साल रहेगा यहाँ तीन हो जाएगा, टी ईयर्स होगा तो यहाँ पे टी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है किसका, अमाउंट का, ठीक है, ये अमाउंट का ना, तो अब इसी को कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट। अब अगर आपको इसमें इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करोगे, इसमें से पी को माइनस कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, जब हम लोग अमाउंट में से आपका प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा, ठीक है। तो इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले की तरह लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, पी 1 + R/100 power T, और इसमें से मैंने पी को माइनस कर दिया, ठीक है, यही चीज है ना। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई लिखते हैं, पी को हम लोग लिख लिए कॉमन, और यहाँ क्या हो गया, जो बच गया उसको लिख लीजिए 1 + R/100 T - 1, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब देखो दो साल के लिए होगा तो T की जगह 2 हो जाएगा, तीन साल के लिए होगा तो T की जगह 3 हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट तीन साल का कितना होगा, P ऐसा कॉमन 1 + वेलकम सौरभ जी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे अमाउंट को डायरेक्ट लिखते हैं, आपको जो दिया हुआ है, देखिए अमाउंट आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पी 1 + R/100, यहाँ क्या है क्यूब, और ये तो आपका हो गया अगर तीन साल के लिए, क्योंकि मैंने ऊपर में क्यूब लिखा हुआ है ना। इसी चीज को अगर मैं लिखूं यहाँ पर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, मतलब दो साल के लिए जो आपका अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, पी 1 + R/100 का ये स्क्वायर हो जाएगा, है ना। वेलकम सौरभ जी, जितने साल का होगा उतना को हम लोग इसमें क्या कह रहे थे, हाँ चलिए ठीक है, जितने साल का है उसको हम लोग इसमें क्या कर दिए हैं, ठीक है, 2 T की जगह में उतना पुट कर दिया। देखिए ऊपर और नीचे सेम टर्म है, बस एक ये चीज आपका एक्स्ट्रा आ गया है ना, मतलब अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ तो
पी और पी कट जाएगा, वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड टू टाइम्स कट जाएगा, तो एक चीज बस आपका बचेगा वन प्लस आर अपॉन हंड्रेड, ठीक है, ये बचा, ठीक है ना। और इधर की तरफ पहला वाला अमाउंट कितना है आपका, तीन साल वाला अमाउंट कितना है 714, और एक साल का आपका अमाउंट कितना है आपका, ठीक है, आपका एक साल का अमाउंट कितना है 673, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज पता चल रहा है क्या, कि 1 प्लस आर अपॉन 100 का वैल्यू आपका इतना है ना। देखिएगा ना, ये थोड़ा कमेंट क्यों नहीं शो हो रहा है आपका, ठीक है, चलिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 714 673। एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन है, इसका हम लोगों को वैल्यू फाउंड करना है ना। यहाँ पे अमाउंट इन दिया हुआ है कि हमारा डायरेक्ट अमाउंट इतना हो जाता है, इसलिए हम लोग अमाउंट लेके चल रहे हैं। एक इक्वेशन है, एक ही अननोन है, अब हम लोग बस इसको सॉल्व करेंगे। आर बाई हंड्रेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 714 673, इधर प्लस में था, राइट हैंड साइड आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। अब ये 673 का आप इसमें माइनस कर दो, यहाँ पर स्पेस नहीं बच रहा है मेरे लिए, है ना, ये 673 इसमें माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा 141, है ना, ये आर बाई हंड्रेड इक्वल टू 41/673, और आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 41/673 × 100, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे आर का वैल्यू जो आएगा ये आपका आ जाएगा 6.092, ठीक है। अब एग्जैक्ट ऐसा तो आपका आंसर नहीं दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमको क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली मतलब लगभग, है ना, लगभग। तो हमारे इसके नियरेस्ट में क्या है 6.092 के, 6 वाला आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, तो इसमें जो आपका पास वाला है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब इसको आप नियरली इक्वल टू 6.25 बोल लीजिए या 6/1/4% कह लीजिए, है ना। गुड इवनिंग मिस्टी जी, ठीक है, आप लोग का लाइव काउंट क्यों कुछ कम दिखाता है, ठीक है, चलो, है ना। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ था इसलिए हम लोग लगभग आंसर ले रहे हैं, और यहाँ पर अमाउंट्स लिखा हुआ था इसलिए डायरेक्ट हम लोग अमाउंट के लेते चल रहे हैं। क्या किए हम लोग, तीन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, अमाउंट किसमें, सीआई तीन साल का, और क्या है अमाउंट सीआई दो साल का, इसको हम लोग डिवाइड किए। ये आपका क्या था, पी 1/R/100 का क्यूब था, और ये क्या था, पी 1/R/100 का स्क्वायर, है ना, वही टर्म है तो कट गया, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा अजीब सा बना है बट आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, चलो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, है ना, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, मतलब कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे एक एलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखेगा आप बताइएगा, हम लोग जूम कर लेंगे। क्या है, इफ ए प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू रूट थ्री, ए क्यूब प्लस वन अपॉन ए क्यूब इज, आपको इसका वैल्यू बताना है ना। गुड इवनिंग ओम जी, वेलकम, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको एलजेब्रा का दो फॉर्मूला का नीड होगा, मैं आपको दोनों एक साथ बता दे रहा हूँ। एक क्या कि अगर आप x प्लस वाई स्क्वायर करते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई होता है, और एक काम पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, ठीक है। अब देखो हमको जो निकालना है, अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो एक्स इक्व टू ए है इसके हिसाब से, और वाई इक्व टू क्या है 1/a, है ना, तो हमको क्या चाहिए, ये चीज चाहिए ए क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई का वैल्यू तो हमको डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन, हमको इसका वैल्यू चाहिए, है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, और एक्स वाई का वैल्यू तो अलग से निकालना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप a में आप 1/a का मल्टीप्लाई करोगे वन ही हो जाएगा, है ना। गुड इवनिंग हरियाणा जी, चलिए देखते चलते हैं, है ना। तो अब हम लोग पहले कौन सा यूज करते हैं, ये वाला, क्यों, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये a है ना, ये है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब ऐसा ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर अगर मैं करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 × a × 1/a, ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका वैल्यू आपको पता है, ये जो अंदर में है इसका वैल्यू आपको पता है कि रूट थ्री है, रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो इतने का वैल्यू आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/a², और ये ए और ए कटा तो बच क्या गया, 2 बी, है ना, चलिए बी नहीं होगा इसका आंसर, एक बार ट्राई करेंगे मिस्टी जी, है ना। चलिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1/a², इसी का वैल्यू चाहिए था, रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा,
इस टू को इधर माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, है ना। मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल रहा है, वन। ठीक है, इसको हम लोग रखते हैं, यह भी काम आएगा। क्लियर। अब यहां देखते हैं, हमको ये जो चीज चाहिए था एक्स क्यूब प्लस, ठीक है, क्या चाहिए था, एक्स का मतलब क्या था, ए क्यूब वन अपॉन ए क्यूब, इसका वैल्यू मेरे को चाहिए था, है ना। इसको हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो मैं दोनों को सम करता हूँ, ए प्लस वन अपॉन ए, इसका वैल्यू देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर ना, और उसके बाद क्या है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, है ना, और माइनस ए इंटू वन बाई ए, ऐसा, है ना। चलिए ठीक है, रहने दीजिएगा, गलत आंसर भी रहे तो हम सीख रहे हैं ना अभी। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट डिलीट मत कीजिएगा। चलिए अब इसका हमको आंसर चाहिए, इसका वैल्यू हमको पता है यहाँ से कितना है, रूट थ्री, इसकी जगह हम लोग लिख दिए रूट थ्री, और ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू हमको पता है कितना, वन, है ना, और माइनस यहाँ से ए और ए कट गया तो क्या हो गया, वन। ठीक है, तो रूट थ्री में वन माइनस वन मतलब जीरो, तो कितना वैल्यू हो गया इसका, जीरो। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, हम लोग एक्स किसको लेके चले हैं, एक्स मतलब ए और y मतलब क्या, 1 बाई ए। ठीक है, तो एक्स वाई क्या हो जा रहा है, दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1 हो जा रहा है। तीन वैल्यूज मुझे काम पड़े, है ना, एक ये काम पड़ा, एक ये काम पड़ा, और एक ये। ठीक है, क्लियर है। अगर किसी में भी किसी का कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछिए, लाइव क्लास है ना, इसका बेनिफिट लेंगे। चलिए ठीक है, देखिए ज्योमेट्री के आप लोग सब प्रॉपर्टीज को देख के रखिएगा, सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, है ना। जैसे इन अ ट्राइंगल एबीसी, क्वेश्चन आपका ऐसा दिया है, ट्राइंगल का फोटो नहीं दिया है अलग से, है ना, तो जैसा दिया है इन अ ट्राइंगल एबीसी, तो पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, इसको अलग से नाम दे दीजिए, एक जगह ए, एक जगह बी, एक जगह सी। ठीक है, डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी, जो डी है वो बी और सी का मिड पॉइंट है, बी और सी का मिड पॉइंट है डी, है ना। ई किसका है, सी और ए का है ई, और F किसका है, A और B का है, A और B का मिड पॉइंट क्या है, F। ठीक है, अब इफ P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए डी, मतलब अगर आप ए डी को मिलाते हो, बी ई बी से ई को मिलाते हो, सी एफ सी से एफ को मिलाते हो, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या है आपका, P है कहा गया है। ठीक है, ये आपका क्या है, P है। ठीक है, तो अब आपको क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो ये इसका ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, मैं आपको इसको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, जिधर से ये आपका, है ना, एंगल आपका बाइसेक्ट हुआ है, उधर तरफ वाला और इंटरसेक्ट होने के बाद वाला, है ना, ये टू रेशियो वन में रहेगा, और इसको देखिए, ये सबका सबका रेशियो बराबर रहेगा, है ना, रेशियो जो है वो इक्वल रहेगा। ठीक है, क्या है, बिफोर इंटरसेक्शन वाला लेंथ, है ना, और आफ्टर जो इंटरसेक्शन वाला लेंथ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं बता रहा हूँ, जैसे आप ए डी को देखोगे, है ना, ये ए से लेके डी तक है, रेशियो पी से लेके डी तक गए, है ना, ये रेशियो सबका बराबर होना चाहिए, बी से लेके पी तक गए, रेशियो पी से लेके ई तक गए, देखो ऐसा किसमें दिया हुआ है, ए पी अपॉन पी डी, सी पी, है ना, यहाँ से सी से लेके पी तक, रेशियो पी एफ, यही बराबर है किसके, बी से लेके पी तक और पी से लेके ई तक, है ना, और यही किसके बराबर है, टू रेशियो वन के, है ना, ये आपका ट्राइंगल का प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे, तो ठीक है, ये आप लोग ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ेंगे साथ में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, क्या कहा गया है, है ना, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस लेंगे, यहाँ पे चाहिए, है ना, यदि रूट टू एक्स प्लस टू रूट टू वाई का वैल्यू कितना है, थ्री रूट टू, और रूट सॉरी फाइव रूट थ्री एक्स माइनस फोर रूट थ्री वाई का वैल्यू है रूट थ्री, तब आपको एक्स वाई टू दी पावर 2015 का वैल्यू बताना है, किसका वैल्यू बताना है, एक्स वी टू दी पावर 2015। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों वही है, इस एक को हटाते हैं, यहाँ पे स्पेस मिलेगा। देखिए जब भी हमारे पास जितने अननोन होते हैं अगर उतने ही इक्वेशन होते हैं, है ना, तभी सॉल्व होता है। यहाँ पे मेरे पास दो अननोन है एक्स वाई, है ना, और मेरे पास दो अननोन है एक्स वाई और दो इक्वेशन है, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक को हम लोग कट करने का ट्राई करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर फोर रूट थ्री है, तो ये बताओ तो इसको हम लोग को फोर रूट थ्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है, टू रूट टू। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसको मेरे को फोर अगर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, रूट टू का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर, और उसके बाद यहाँ रूट थ्री भी होना चाहिए, इसके लिए क्या करूंगा, रूट थ्री का मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, रूट सिक्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन
वन है ना, और ये मेरा क्या है, ये ना ये वाला, ये क्या है मेरा इक्वेशन टू है, ठीक है। हाँ अलियाना जी परफेक्ट, ठीक है बिल्कुल सही आंसर है आपका, अब है ना बिल्कुल ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका इक्वेशन वन को मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे मेरे को कट करना है, तो मैं फोर बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा था, मुझे रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था है ना, रूट सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, और इसी को मैं माइनस कर दूंगा है ना, जैसे मैं इसको यहाँ तो माइनस है ही, ठीक है यहाँ तो माइनस है ही, तो मैं क्या करता हूँ इसको इसमें माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, इक्वेशन वन में मैं ऐसा करता हूँ, देन या फिर इक्वेशन रुकी इक्वेशन टू में हम लोग माइनस करते हैं, माइनस इक्वेशन वन में रूट सिक्स का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जैसे रूट सिक्स मल्टीप्लाई करूंगा इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा थ्री रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है थ्री रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना, अच्छा ये प्लस है माइनस है, ठीक है चलिए ठीक है, ये रूट थ्री एक्स हो गया, अगर नहीं समझ में आएगा तो रूट टू है ना, इसमें मैं रूट टू और रूट थ्री मल्टीप्लाई किया, रूट टू और रूट टू मिलकर क्या हो गया टू, अंदर क्या बचा रूट थ्री एक्स है ना, और यहाँ पर हम लोग इसी को तो इसी टर्म को तो ऐसा बनाना चाह रहे थे, ये क्या हो गया मेरा प्लस फोर रूट थ्री है ना क्या वाई, और यहाँ पर जब मैं थ्री में रूट सिक्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ साइड में बता रहा हूँ ना, थ्री रूट टू इंटू रूट टू सॉरी रूट टू इंटू रूट थ्री ऐसा, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा रूट टू और रूट टू मिलके टू हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, यहाँ पर क्या बच गया सिक्स रूट थ्री, ठीक है। अब नीचे वाला इक्वेशन तो मेरे पास ऐसा ही है फाइव रूट थ्री एक्स माइनस, अच्छा नहीं प्लस करूंगा ना, ये प्लस करूंगा ठीक है, माइनस फोर रूट थ्री वाई, और यहाँ कितना है रूट थ्री, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग ऐड करते हैं, चलिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है इसको अगर मैं ऐसा लिखता हूँ इक्वेशन टू को इधर की तरफ कंफ्यूजन नहीं रहेगा, देखिए ये एक प्लस में है एक माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ये दोनों सेम है कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और ये फाइव और टू मिलके क्या हो गया सेवन रूट थ्री एक्स है ना, और इधर की तरफ सिक्स रूट थ्री, और कितना है रूट थ्री मतलब ये क्या हो गया सेवन रूट थ्री है ना, मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया वन, एक्स का वैल्यू मेरा कितना आ गया वन, अब एक्स का वैल्यू वन है, आप वन को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आपका वाई का वैल्यू निकल जाएगा है ना, जैसे मैं यहाँ पर इसको पुट एक्स इक्वल्स टू वन इन इन इक्वेशन वन, ठीक है इसमें आप एक्स का वैल्यू वन पुट कर दो रूट टू वन प्लस टू रूट टू वाई इक्वल्स टू थ्री रूट टू, ठीक है बस। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इधर भी रूट टू है इधर भी रूट टू है माइनस हो जाएगा है ना, ये आपका क्या हो गया रूट टू थ्री रूट टू मतलब कितना हो गया टू रूट टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई टू रूट टू मतलब मेरा वाई का वैल्यू भी वन निकल गया, ठीक है एक्स का वैल्यू भी वन है वाई का वैल्यू भी वन है, मुझे किसका वैल्यू बताना है एक्स वाई टू द पावर 2015 है ना, एक्स वाई टू द पावर, देखो अब मेरे को क्या पता है कि एक्स भी वन है वाई भी वन है ना, तो मेरे को क्या बताना है यहाँ पर एक्स वाई टू द पावर 2015, वन को आप कितने भी बार मल्टीप्लाई करोगे आपका वन ही आएगा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वन, ठीक है जैसा कि अलियाना जी भी कमेंट किए थे है ना। चलिए आगे देखते हैं, देखिए रिमाइंडर थ्योरम का है ये क्वेश्चन, क्या कहा गया है 13 टू द पावर 73 प्लस 14 टू द पावर 3, अगर ये किसी को क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पर एक बार लिख दे रहा हूँ 13 टू द पावर 73 प्लस 14 टू द पावर 3, इसको जब हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा या शेषफल क्या बचेगा है ना, जिनको रिमाइंडर में कंफ्यूजन होता होगा तो देखिएगा एक हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर 18 में है रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट वन, और ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप रिमाइंडर के बारे में जानते हैं तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर हम किसी नंबर को है ना किसी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो जितना रिमाइंडर आता है उसके साथ अगर कोई सा भी नंबर या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं और सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ अलग रिमाइंडर आ रहा है ना, या फिर इन तीनों से बनने वाला कोई भी परमुटेशन तो इनका जो रिमाइंडर होगा इनके बीच भी वही ऑपरेशन लग जाएगा जो इस नंबर में हो रहा है, जैसे अगर मैं पहले नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर मेरा आर वन आ रहा है, दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ रिमाइंडर मेरा आर टू आ रहा है, तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ मेरा आर थ्री आ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दूंगा,
अगर प्लस प्लस है तो यहाँ मैं प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। अभी शॉर्ट में समझाया है, बाकी इसको आप देखिएगा एक बार, है ना। इतना आपको पूरा रिमाइंडर थ्योरम समझ में आ जाएगा पहला पार्ट में, ठीक है। चलो इसको आप सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसा स्पेस लेते हैं। 13 to the power 73 और कितना है 14 to the power 3, इसको आप 11 से डिवाइड करने वाले। किसको? 13 to the power 73 प्लस 14 to the power 3 को 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो 11 से 13 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका पहली बार में रिमाइंडर 2 आएगा, और आप 73 टाइम्स डिवाइड करोगे तो यही आपका रिमाइंडर 73 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। प्लस आप 14 को डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 3 आएगा, है ना। और इसको आप क्यूब करोगे तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर रहेगा, है ना। ये मैं जो अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ ना, ये क्या है इसका रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर रहेगा वही इनके रिमाइंडर्स का भी, हम लोग सेम ऑपरेशन करते हैं तो आपका रिमाइंडर सेम रहेगा। अब देखो 2 के टेबल में आप ऐसा नंबर लाने का ट्राई करो कि 11 के आसपास आए, ठीक है। तो 2, 4, 8, 16, 32, है ना, 2, 5, 32 आता है, ठीक है। तो 2 to the power 5, अभी क्यों कर रहे हैं 32 मैं बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर है ना, अब यहाँ पर 5 लग दिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 14, और ये मैं 2 का क्यूब अलग से लिख दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका 73 हो जाएगा ना, 14, 5, 70 और ये 3, और प्लस यहाँ पर क्या है 3 का क्यूब। अब इसको आप डिवाइड कर दो 11 से, जो रिमाइंडर आना है वही आएगा, ठीक है। अब 2 to the power 5 मतलब कितना 32, रिमाइंडर कितना आएगा 33 डिवाइड होता है, ये उससे एक कम है, मतलब ये आपका -1 to the power 14, ठीक है। जिनको नहीं पता है निगेटिव रिमाइंडर भी कैसे आता है तो आप लोग रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा 2, 4, 8 और यहाँ क्या है 3, है ना, 3, 3 जा 9 और फिर 3 जा 27, ठीक है। 27 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा कितना 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, है ना, यहाँ पर क्या है -1, 14 टाइम्स करोगे पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, 1 into 8 is 8, और 8 और 5 क्या हो गया 30, ठीक है। बट कभी भी, है ना, रिमाइंडर कांट बी ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन डिविजर, जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उससे बड़ा तो कभी नहीं होता है। तो अगर कभी भी ऐसे करने पे डिवाइड करने पे बड़ा हो रहा है तो फिर से हम लोग उसको 11 से डिवाइड कर देंगे, है ना, मतलब जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर फिर से हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। देखना ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर बी था। चलिए, है ना, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, समझिएगा। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में कितने भी देख सकते हैं। इफ 3% फायर फ्रॉम द पिस्टल साइमल्टेनियसली फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना, मतलब 3 लोग पहली बार एक साथ फायर करते हैं, आफ्टर दे फायर 3, 5, 7 सेकेंड, है ना, मतलब अगली बार वो 3, 5 और 7 सेकेंड के बाद फायर करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स दे फायर टुगेदर इन 1 आवर आफ्टर 3rd साइमल्टेनियसली फायर, 3 बार जब वो फायर कर चुके होंगे उसके बाद वो एग्जैक्टली कितने बार फायर करेंगे 1 घंटे में, है ना। देखिए सिंपल था, एलकेएम का क्वेश्चन है। पहली बार अगर वो 3 मिनट में कर रहे हैं तो अगली बार वो 3-3 के मल्टीपल में ही करेंगे, है ना, 3, 6, 9, 12 ऐसा, ठीक है। पहली बार अगर वो 5 में कर रहे हैं, 0 में तो एक बार किए ही ना, तब चालू हुआ, ठीक है, तो 5 में करेंगे, हर 5 के मल्टीपल में करेंगे एक एक बार, ठीक है। और जब 7 में कर रहे हैं तो 7-7 के मल्टीपल में करेंगे एक बार, है ना, ठीक है। देखिए अब हमको क्या चाहिए, मल्टीपल चाहिए, है ना, मल्टीपल चाहिए, तीनों का कॉमन वाला चाहिए और इसका सबसे छोटा वाला चाहिए, मल्टीपल कॉमन लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, है ना। सबसे छोटा वाला क्यों, हमको एक बार का पता चल जाएगा कितने सेकंड में हो रहा है, तो हम लोग वो निकाल लेंगे कि 1 घंटे में उसके कितने सेकंड आ रहे हैं। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम किसका, 3 का 5 का और 7 का, है ना, 3, 5 और 7, 7, 5, 6, 35, देखिए जब सारे नंबर प्राइम हो तब सबको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, वही आपका एलसीएम हो जाएगा, 7, 5, 35, 35 किया 105, है ना, ये आपका क्या हो गया 105, मतलब ये हर 105 सेकेंड में एक बार बेल करेंगे, ठीक है। अब ये 1 घंटे के आवर में, इन 1 आवर
एक घंटे में ये कितने बार 105 सेकंड होंगे, तो एक घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको हम लोग 105 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 34 point something something आएगा, ठीक है। इस समथिंग समथिंग से हमको मतलब नहीं है, केवल 34 टाइम्स करेगा, उसके बाद जितने भी सेकंड बच रहे हैं उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक और ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड स्टार्टिंग में एक बार होता है ना, जीरो में, जीरो जब सेकंड था एक साथ बजे फिर हम लोग चालू किए, तो टोटली कितना हो रहा है 35 टाइम्स, है ना। बट यहाँ तक से आंसर नहीं है हमारा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है आफ्टर थर्ड, है ना, आफ्टर थर्ड, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, आफ्टर थर्ड, थर्ड पूछा है, मतलब तीन जब पहले बच चुके थे, तो 35 में से आप तीन को माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा 32 टाइम्स, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप पूछिएगा, है ना। देखते हैं आगे, ओके, देखिए यहाँ भी एक प्रॉपर्टी आपका लग जाएगा, है ना, सर्कम सेंटर वाला, क्या है, ओडी ओई ओ एफ आर परपेंडिकुलर। देखिए हिंदी में भी आपको यही डायग्राम दिया हुआ था, तो स्पेस बचाने के लिए, है ना, मैं बस इंग्लिश वाला लिया हूँ, या फिर किसी में कभी अगर ऑप्शन सेम है तो ऑप्शन को हम लोग वैसे लिए, दो बार नहीं लिखे हैं, ठीक है। चलिए आपको क्या है, ओडी ओई ओ एफ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सब साइन, मतलब ये सब इक्वल है, ठीक है, जब सबके सब इक्वल है तब आगे क्या पूछा गया है आपको, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी ए सी, ये एंगल बी ए सी और एंगल पी ओ सी, पी ओ सी एंगल कहाँ है, बी से लेके ओ को टच करो और ओ से लेके सी को टच करो, ठीक है, तो ये आपका केस है, है ना, ये आपका सरकम, है ना, सरकम सेंटर केस है, ठीक है। सरकम सेंटर केस में क्या होता है कि अगर इस तरीके से है ना, तो अगर यहाँ का एंगल एक्स है तो यहाँ का एंगल 2x होगा, ठीक है, यहाँ का एंगल x है, यहाँ का एंगल 2x हो जाएगा, मतलब क्या है, जो आपका एंगल ना, एंगल बी ए सी है ना, वो किसका है, अगर ये दुगना है एंगल बी ए सी किसका, एंगल बी ओ सी का, ठीक है, यहाँ पर बी ओ सी दिया हुआ है खाली, तो एंगल पी ओ सी, अच्छा यही तो दिया हुआ है डायरेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा, है ना, अगर जो बना चुके हैं पहले कमेंट कीजिएगा, ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, इंस्टॉलमेंट का है, अच्छा फॉर्मूला पहले दिख जा रहा है, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ 4620, मतलब इतना रुपीस आपको देना है इन 5 ईयर एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, है ना। देखिए आपको अमाउंट क्या है, ठीक है, आपके पास जो प्रिंसिपल कहिए या मूलधन कहिए, आपको कितना लौटाना था, 4620, है ना, 4620 आपको लौटाना था, और आपको इसके साथ देना कितना पड़ेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा आपको, इतने अमाउंट का पी अमाउंट का आर परसेंट, पी अमाउंट का आर परसेंट कितने ईयर्स के लिए, टी ईयर्स के लिए, यही चीज आप लोग सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में भी करते हैं, ये क्या है आपका 4620, है ना, 4620, आर कितना है आपका 5% और टी कितना है 5 ईयर्स, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा, इन दोनों को मिला के 25 600 और 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 1 जा, फिर कितना 4 5 जा 4 5 जा, ठीक है, मतलब आपको टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा डेप्ट, है ना, डेप्ट मतलब आपको 4620 जो आपका प्रिंसिपल है वो तो दोगे ही, है ना, और 1155 इतना तो दोगे ही, है ना, टोटल आपको इतना अमाउंट पे करना है ना, बिल्कुल सी नहीं है, सी नहीं है ओम जी, ठीक है, चलो आपको इतना अमाउंट को पे करना है 5 साल में, तो या तो आप इसको शॉर्टकट की तरह कर सकते हो, बट शॉर्टकट थोड़ा सा कभी कभी गलत आंसर देता है ना, क्या करोगे इसको सबको आप सम कर दो, ये आपका हो गया 5, ये हो गया 7, ये कितना हो गया आपका 5765, ठीक है, सही है ना, 5675, चार सात हो गया, यस, ठीक है, हाँ, इसको 5 साल में आप बराबर बराबर अगर करते हो तो ये हमारा लगभग आंसर है ना, 1055 ऐसा आता है, ठीक है, कुछ ऐसा आता है जो कि हमारा अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है करके हम लोग लगा देते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1050 के
बट ये क्या है, हम लोग शॉर्टकट ऐसा नहीं करेंगे। जब हमको पता चल गया डेप्ट कितना है ना, तो हम लोग इसको फॉर्मूला से करेंगे। डेप्ट कितना है आपका, टोटल आपको कितना पे करना है, 5775, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, फॉर्मूला की तरह लिखा गया है, मल्टीप्लाई है ना, 100, यहाँ क्या है, 100 इंटू टी, टी मतलब आप जितने साल के लिए है, आर जितना आपका ईयर है, टी फिर से वही, और टी माइनस वन मतलब यहाँ पे आप एक कम कर दीजिए और इसको डिवाइडेड बाई टू कर दीजिए। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 1050 है ना। कुछ कट करना चाहेंगे कट कर लेंगे, 2 2 जा 5 2 जा 10 10 5 जा 50, इसमें आप कितना 500 प्लस 50 550 5775 into 100, ये कितना हो गया 550। अभी जिससे जिससे भी कट रहा है इसको आप लोग कट करते चलिए, 50 5 10 जा 11 जा 52 जा, फिर ये 11 5 जा 2 जा 5 जा 225 225, तो ये कितना हो जाएगा 1050 rupees। क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ओके, किसी में डाउट रहेगा पूछते चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 15, है ना, मतलब 50 स्टूडेंट किसी क्लास में है जिनका एवरेज है 15। ठीक है, एवरेज मतलब जब आप सबको जो बराबर बराबर बांटते हैं अगर किसी नंबर को, तो वो एवरेज होता है। एवरेज हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, ठीक है, देखिएगा। तो इसको 15 है 50 लोगों का, 5 स्टूडेंट लेफ्ट, 5 स्टूडेंट चले गए, कक्षा छोड़ के चले गए। ठीक है, हुज एवरेज मार्क्स वाज 15, है ना, यहाँ पर क्या है, रुकिए यहाँ पे कुछ हिंदी इंग्लिश में थोड़ा अलग दिख रहा है, 15 है, 5 छात्रों का औसत, ठीक है, 15.25, 5 जो छोड़ के चले गए उनका एवरेज कितना था, 15.25 था। एंड 4 new students ज्वाइन द क्लास हुज मार्क्स वर रिस्पेक्टिवली 13, 11, 10.5 and 9.75, देन द प्रेजेंट एवरेज ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज, ठीक है, तो जो बचे हुए हैं उनका अब एवरेज कितना होगा। तो देखिए ये मैं हिंदी वाला अलग से रख ले रहा हूँ। एवरेज क्या होता है, एवरेज मतलब जितना भी एक क्वांटिटी दिया हुआ है सबको टोटल कर दो और नंबर, ठीक है। अब देखो एवरेज, अगर यहाँ पर मेरे को टोटल निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, टोटल निकालना होगा तो एवरेज में, एवरेज में जितने नंबर ऑफ डाटा हैं उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा न्यू एवरेज है ना। न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, पहले टोटल कितना था, 50 लोगों का टोटल था कितना, 15, पहले तो इतना था, ठीक है। अब इसमें से जो कम हो गए, कितने लोग कम हो गए, 5 लोग कम हो गए, जिनमें हर का एवरेज कितना था, 15.25 था, है ना, 15.25 था, ठीक है, ठीक है। और इसमें इतने चले गए और साथ ही साथ आए ना, कौन कौन आ गए हैं जिनका 13, 11, 10.5 और 9.75, ठीक है। इसको हम लोग, मेरे पास टोटल इतना था, इसमें से जो चले गए उसको मैंने मेहनत कर दिया और जो नए आए हैं उसको हम लोग ऐड कर लिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, अब हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 क्यों, क्योंकि 50 में से 5 लोग गए थे, टोटल कितने थे, ठीक है, टोटल जो नंबर है 50 में से 5 लोग गए थे, है ना, और लेकिन बाद में कितने आए, 4 आए, कितना हो गया 49, ठीक है, इसलिए हम इसको 49 से डिवाइड कर रहे हैं। बाकी अब हम लोग इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, है ना, 15 5 75, ये कितना हो जाएगा, 750, ये 15 5 75 और 0.5 को आप 5 बार जोड़ोगे तो 1.25 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 76.25, और इन सब को जब ऐड करके हम लोग 49 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.65, ठीक है, माइनस नहीं सॉरी डिवाइड करेंगे तो 14.65 आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। एवरेज हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, जिनको डाउट होगा आप लोग देखिए एवरेज को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन 10 to the power 25 -7 एंड 10 to the power 24 +x इज डिविजिबल बाई 3 विच फॉर विच वैल्यू ऑफ x, ठीक है, क्या कहा गया है, x के किस मान के लिए 10 to the power 25 -7, है ना, 10 के पावर में 25 है -7 और 10 to the power 24 +x, इन दोनों का डिफरेंस मतलब इन दोनों का जो है ना अंतर है वो 3 से विभाजित हो रहा है, बोल रहा है x की किस वैल्यू के लिए होगा।
जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा बस सेम एज इट इज कर दीजिए। 10^25 - 7 है ना, पर इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस किसको, 10^24 को प्लस एक्स को। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पे माइनस में है ना, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ माइनस। ओके अभी कंफ्यूजन हो बहुत, अच्छा 10^25 - 7 माइनस 10^24 प्लस एक्स, प्लस नहीं माइनस एक्स, बार माइनस है तो अभी 10^24 वाले टर्म पे एक तरफ जाते हैं, 24 यहाँ 25 पहले, 10^ रुकिए माइनस 10^24 माइनस 7 है माइनस एक्स है, ठीक है, यस ए डी, ए और डी नहीं है इसका आंसर है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, ठीक है। अब इसमें से 10^24 तो आपका कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा, इसमें बचा 10, इसमें बचा 1, ठीक है, और यहाँ क्या है माइनस, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो बोलो 7 + x, ठीक है। अब जैसे 10^-7 मतलब ये क्या हो गया 10^24 और ये हो गया 9, ठीक है, और ये क्या हो गया 7 + x। अब देखो जो भी 9 का मल्टीपल है वो तो 3 से मल्टीपल रहे डिवाइड हो गई है ना, मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 विल ऑलवेज बी विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3 होगा ही है ना। अब देखो यहां तक तो डिविजिबल है, जिसमें आप माइनस कर रहे हो तो इतने में आप चाहोगे क्या कि रिमाइंडर 0 है ना, इसमें आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो 7 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे 3 का मल्टीपल बन जाए, तो सिंपल सा है x में आप 2, x का वैल्यू 2 कर दो तो 7 + 2 = 9 है ना, जो कि आपका क्या हो जाएगा 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू 2, ठीक है ना। कुछ भी डाउट रहेगा पूछेंगे, लाइव क्लास है ना तो आप लोग पूछते चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी, अ हॉलो सिलेंडर इज क्लोज्ड एट बोथ द एंड्स इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर है ना, अच्छा ठीक है जी, क्या है, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज हाई हाफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 924 यूनिट्स देन हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। क्या है जैसे कि अगर ये एक सिलेंडर है ना, जैसे कि ये एक हमारा सिलेंडर है, ये आपका कुछ रेडियस है और ये आपका कुछ इसका हाइट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है मतलब है ना, वही है बेलन कहते हैं, त्रिज्या जो है ऊंचाई की आधी है, मतलब ये जो r है ये आपका क्या है h by 2 है, ठीक है, r है h by 2 है, या फिर इसी को लिख देता हूँ h by 2 है, ठीक है। आपको जब हाइट को फाइंड करना है तो हम लोग सब जगह से r को हटाने का ट्राई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको टोटल सरफेस एरिया 924 यूनिट्स, यूनिट्स मतलब वो कुछ भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, जो भी यूनिट हो, ठीक है। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ठीक है, इसको हम लोग जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना तब देखेंगे आता कैसा है। जैसे कि एक सर्कल है, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2πr, तो यही 2πr, आप एक सर्कल के ऊपर और सर्कल ऐसे रखते जाएंगे है ना, यही 2πr आप h तक रखते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा सिलेंडर का जो बाहरी वाला पोर्शन है वो हो जाएगा है ना। और इसमें ये जो दो सर्कल है ये भी आपको ऐड करना है, सर्कल का सरफेस एरिया क्या होता है πr स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का है ना, यहाँ पे मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ 2πrh था और प्लस πr स्क्वायर, और इसी में से मैं जो जो कॉमन है उसको बाहर निकालता हूँ 2πr और h प्लस r, ठीक है। अब एक चीज मुझे पता है क्या कि r इक्वल्स टू h बाय 2 है, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया मेरे को गिवन है कितना 924, तो इसको हम लोग लिखते हैं 924 2πr की जगह लिख देते हैं h बाय 2 है ना, 2πr की जगह लिखे h बाय 2, यहाँ भी h प्लस h बाय 2। अब एक इक्वेशन है एक ही अननोन है, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, ये 2 जितना कटते जा रहा है इसको काट ही देते हैं, ठीक है, ये कट हुआ है ना, ये पाई एच और यहाँ क्या है 3/2h हो जाएगा है ना, ये 3/2h और अंदर का h मिलके क्या हो गया h स्क्वायर और एक पाई बचा है, ठीक है 924 सॉल्व कीजिए, पाई एच स्क्वायर को एक तरफ रखते हैं बाकी सबको 924 इंटू 2, ठीक है, और नीचे क्या है 3, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 है ना,
बस इतना सा है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, हमारे एच का वैल्यू आ जाएगा। जितना कट होता जा रहा है कट कर लीजिए जल्दी से, 11 से 11 टू जा, यहाँ पर 11 एट जा, 4 जा, ठीक है, और फिर आगे इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से 3, 2 जा 6, 3 टू जा 6, 3 एट जा, ठीक है, तो ये 28 इंटू 7 है ना। एच स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 196, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 14, ठीक है, एच का वैल्यू आपका 14 आ जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग को, अगर कहीं पर कुछ डाउट हो रहा हो तो, यूनिट लिखने की नीड नहीं है, जो भी आपका यूनिट होगा वही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 14। आपको टोटल सर्फेस एरिया गिवन है, जब हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे तब देखेंगे ये आता कैसे है। आपका अगर हॉलो सिलेंडर रहेगा तो उसमें हम लोग ये पाई आर स्क्वायर का अलग से ऐड नहीं करेंगे, बंद सिलेंडर है ना, बंद बेलन है तो उसके ऊपर का भी एरिया ऐड हो जाता है, वो भी दो बार, क्यों, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की तरफ रहता है ना। चलिए इसको सॉल्व करना है, आगे हमारा मेन क्या है यहाँ पर कि 2 प्लस, देखिए इसको बस सिंपल सा है, सॉल्व करने जैसा है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ये a माइनस बी, आप इसको इस तरीके से बोल सकते हो कि ये a को अगर मान लो 2, b को मान लो रूट 5, ठीक है, नीचे क्या है a माइनस बी और a प्लस 5, तो ये चीज आपको पता है ना, a माइनस बी और a प्लस बी मिलाकर क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस इतने को आप लोग अप्लाई कर लो यहाँ पर, और इसके अलावा जितना भी और एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यही चीज अगर माइनस में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बैक सॉल्व कर रहा हूँ कि 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, ठीक है, और रूट 5 का स्क्वायर मतलब कितना 5। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी का स्क्वायर जैसा है, हाँ सॉरी ये मैं थोड़ा गलत लिख दिया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिखना चाह रहा था, ठीक है। हाँ ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है, ए स्क्वायर 4 बी स्क्वायर 5 माइनस 2ab, 2 2 जा 4 4 और ये रूट 5, ये क्या हो गया 4 रूट 5 है ना, ये प्लस प्लस, ठीक है, और आगे यहाँ पर ये अगली बार फिर से प्लस हो क्या आ जाएगा, ए नहीं है, है ना, ए नहीं है, इसका आंसर देखते हैं आगे देखते हैं प्लस, अब ये इधर मल्टीप्लाई होगा माइनस वाला, ये क्या हो गया ए स्क्वायर मतलब 4 बी स्क्वायर मतलब कितना 5 है ना, और आगे ये आपका माइनस है तो माइनस 4 रूट 5, क्लियर। अब देखिए इसमें बाकी स्क्वायर वाले टर्म तो कट गए, ये प्लस में है माइनस में है, 4 प्लस 5 4 प्लस 5 टोटल कितना हो गया 18, नीचे कितना बचे माइनस 1, ये आपका कितना आ गया माइनस 18, क्या हो गया इसका आंसर बी, ठीक है, ये था ना मिस्ट्री का सही था, ठीक है, क्या हो गया माइनस 18। चलिए आगे देखते हैं, देखिएगा काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा स्पेस लेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, है ना, ये एक इसका फैक्टर है, मतलब इस नंबर को, इसको जब आप इससे डिवाइड करोगे, फैक्टर मतलब जो नंबर डिवाइड करता है वो आपका फैक्टर कहलाता है, ठीक है, तो इसके जो फैक्टर्स रहेंगे वो भी इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे अगर कोई चीज 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो चीज 3 से भी डिवाइड होगा, अगर किसी नंबर का फैक्टर 3 है तो उस नंबर 9 है तो उस नंबर का फैक्टर 3 भी होगा, है ना। तो सबसे पहली बात, अब देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या है ये देख लो, फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू, है ना, इसके फैक्टर क्या होंगे, तो इसको आप क्या करोगे, इसको इक्वल्स टू 0 करके देखोगे, तो अब दो ऐसे नंबर जिसको जब आप ऐड कर रहे हो तो माइनस 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से तोड़ सकते हो, x माइनस 2 और ये x प्लस 1, ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू निकल जाएगा, x इक्वल्स टू आइदर 2 और 1, ठीक है, माइनस 2 और माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 1, एक बार इसको इक्वेट करोगे 0, है ना, मतलब ये आता कहाँ से बता रहा हूँ, देखो अब दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा, है ना, मतलब x माइनस 2 0 होगा तो x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा तो x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू क्या हो सकता है आपका, या तो 2 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, तो अब पुट x का वैल्यू एक बार आप 1 रख के पुट करो यहाँ पर, ठीक है,
ये इतना को ऊपर ना, put x equals to 2 once in किसमें, इसमें है ना, किसमें, अगर मैं बोलता हूँ ये आपका इक्वेशन वन है और ये क्या है इक्वेशन टू, ठीक है, तो हम लोग किसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन टू में, ठीक है। अब x का वैल्यू हम लोग टू रखते हैं, क्या हो गया 2 to the power 4 माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो 2 to the power 4 मतलब क्या, 2, 4, 8, 16 ये कितना हो गया 16 माइनस 4a प्लस b इक्वल टू जीरो। अब इसको जैसे एक तरफ मैं लाता हूँ, a को एक तरफ ले आऊंगा, 4a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ठीक है। सिमिलरली फिर से एक बार क्या करो, पुट x इक्वल टू 1 है ना, x के दो वैल्यू मेरे को मिले थे ना, यहाँ पर देखिएगा x के दो वैल्यू मिले थे ना, तो एक बार अब हम लोग 1 रख के देखते हैं, क्योंकि हमको a और b दोनों का वैल्यू चाहिए, जितने वैल्यू चाहिए हमको उतना इक्वेशन चाहिए, तो एक इक्वेशन तो यहाँ बन गया, ठीक है। ये आपका मान लो, इसको मैं बोलता हूँ इक्वेशन 3 है ना, ये क्या हो गया इक्वेशन 3। अब देखो x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 रखो है ना, आप यहाँ पर 1 रखो तो 1 टू द पावर 4 माइनस ए 1 है ना 1 है प्लस बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर से वही आ गया है ना, इसको आप ए राइट हैंड साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन, दो अननोन दिख रहा है, ये इक्वेशन 4th, ठीक है 4th, ठीक है। अब क्या करो, इक्वेशन 3rd में ऐड कर दो इक्वेशन 4th को, इसमें इसको ऐड कर दो, ऐड नहीं माइनस करो माइनस, ठीक है। इधर क्या बचेगा 3a है ना, b माइनस b से माइनस b कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या है 16 में से 1 गया, क्या बचा 15, तो आपके पास a का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है, a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू आपको चाहिए, तो a के वैल्यू को 5 आप किसी में भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो है ना, यहाँ पर फिर से पुट a इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 4, ठीक है, मतलब क्या 5 माइनस b इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू 4, तो आपके पास a का वैल्यू आ गया, b का भी वैल्यू आ गया 5, 4 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और इनका LCM, इनका जो LCM है ये कितना है कहा गया है 168। देखो 168 इसको तो हम लोग बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, अगर दो नंबर जिनका दोनों का मल्टीपल 168 है, अगर कोई नंबर 20 है तो इसका मल्टीपल जो है ना, इसका जो मल्टीपल है उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा है ना, इसको मैं थोड़ा दूर में लिखता हूँ, आपको कैसा चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 52 है और एक्स वाई इनका आपको जो एलसीएम है ये कितना है 168। अब मैं इसको ऑप्शन से कर रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट है ना, इसका जो मल्टीपल होगा, जो भी मल्टीपल होगा यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा 0। अब यहाँ पर 5 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमेशा, मतलब इसका जो भी मल्टीपल होगा 0 और 5 रहेगा है ना। अब यहाँ पर देखो 168 है तो 16 से तो ऐसे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, 16 इज नॉट, फिर ऐसा लिखता हूँ 168 इज नॉट मल्टीपल ऑफ, ठीक है 16 ही डिवाइड हो गया तो बच गया ना फिर 8 मल्टीपल ऑफ 16, एक ही ऑप्शन बचा भाई इसका आंसर है, करके देखेंगे, करके देख भी सकते हैं, दोनों को सम करेंगे 52 आएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 168 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे सर्कल बताना है, ठीक है, आपको ये रेडियस बताना है, देखो यहाँ तक से आर हो जाएगा और ये टोटल मिला के क्या हो गया आर हो गया है ना, मतलब जो 2R है ये क्या है डायगोनल है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर है ना। अब जैसे इसका मैं मान लो लेंथ को कुछ भी ले लेता हूँ, मान लो ए ले लेता हूँ, ठीक है ए, ठीक है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है अगर आपको पता हो तो ये होता है रूट टू ए है ना, रूट टू अलग से है और ये ऐसा, तो अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन टाइप का दिख रहा है क्या
कि 2r किसके बराबर है, रूट टू ए के। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई में लिखते हैं, रूट टू इधर आके कटेगा तो a इक्व टू रूट टू आर हो जाएगा ना, a इक्व टू सही है डायगोनल रूट टू आर, ठीक है ये इससे कटेगा क्या हो गया रूट टू आर ये ना। अब यहाँ पर हमको ये चीज पता है, ये चीज पता है डिफरेंस, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस इन एरिया किसका, सर्कल माइनस स्क्वायर, ठीक है इसको हम लोग अगर निकालना चाहें तो ये देखो एक ऐसा लिखता हूँ डिफरेंस आपको जो शेडेड पोर्शन है डिफरेंस इन एरिया ठीक है ऑफ सर्कल माइनस स्क्वायर ठीक है, ये आपका जो शेडेड पोर्शन है वही चीज है। तो थ्रेडेड पोर्शन एक का आपका कितना है 8/7 है, तो चारों का मिला के कितना हो जाएगा 4/8/7 हो जाएगा ठीक है 4/8/7 हो जाएगा। अब इधर की तरफ देखो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर है ना, आपको आर फाइंड करना था, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका ए स्क्वायर एक साइड का जो है। अब ए का वैल्यू तो आपको पता है रूट टू आर है, इसको सॉल्व करो पाई आर स्क्वायर, और रूट टू का स्क्वायर करोगे टू हो जाएगा और ये क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया है ना। अब यहाँ से आर स्क्वायर को कॉमन लो, यहाँ पे क्या बचा पाई बाई टू, ये 4 × 8/7 है ना, पाई बाई टू मतलब कितना पाई सॉरी माइनस टू 22/7 माइनस टू 7 × 2 = 14 ये कितना बचेगा 8/7 ठीक है, ये क्या हो गया 4 × 8/7 इक्व टू आर स्क्वायर 8/7 दोनों तरफ से कट जाएगा और आपके पास आर का वैल्यू आ जाएगा 4 का स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर मतलब 4 तो आर इक्व टू 2 ये आंसर हो जाएगा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए द रेडियस ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल मतलब एक ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल जो इसके तीनों साइड्स को टच कर रहा है उसका एरिया आपका क्या होता है। जैसे अगर ये साइड आपका है ना, अगर ये आपका ए है ये बी है ये सी है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ एरिया ऑफ इन सर्कल, एरिया ऑफ इन सर्कल क्या हो जाएगा आपका ठीक है ना ए प्लस बी माइनस सी है ना, ए प्लस बी माइनस सी इंटू टू ठीक है, ये आपका जो हाइपोटेन्यूस है वो वाला बस माइनस होगा बाकी सबको सम कर दोगे। अभी हाइपोटेन्यूस कितना होगा, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये आपका क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस आप लोग क्या जानते हो अंडर रूट परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम है ना, परपेंडिकुलर के स्क्वायर कितना है 6 के स्क्वायर, बेस कितना है 8 के स्क्वायर, तो 36 और 64 अंडर रूट 100 है ना, अंडर रूट 100 मतलब 10, तो इसका लेंथ कितना आ गया फर्स्ट 10। तो यहाँ से हम लोग इसका क्या निकालना था हमको रेडियस है ना, तो पहले इसका एरिया निकाल लो, एरिया कितना हो जाएगा ये आपके पास 10 है तो 6 + 8 - 10/2 ठीक है, तो ये आपका एरिया कितना आ जा रहा है ना 14 − 10 = 4/2 ये तो आपका 2 आ गया, कुछ गलत कर रहे हैं क्या ठीक है क्वेश्चन से ये अच्छा सॉरी यहाँ मैंने गलती से एरिया लिख दिया ना, ये मैं लेंथ लिखना चाह रहा था, सॉरी लेंथ भी नहीं रेडियस, रेडियस रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल क्योंकि यहाँ यूनिट से देखेंगे है ना, ये मैं यूनिट सिंगल सिंगल है, एरिया होता तो स्क्वायर में रहता कुछ कितना 14 − 10 हो गया 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आंसर आ जाएगा 2, इसका रेडियस क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0 आर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर स्क्वायर होता है 2 होता है उसके दो रूट्स निकलते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमको क्या दिख रहा है कि आपका एक्स के पावर में 2 है ठीक है, एक्स के पावर में 2 है सॉरी एक्स स्क्वायर के इस तरीके से अगर होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस जो बीच में जो एक्स में होता है क्या होता है दोनों का सम, और जिसमें एक्स नहीं होता है वो क्या होता है दोनों का मल्टीप्लाई है ना। अब हम लोग इसको क्या करते हैं कंपेयर करते हैं
मेरे को क्या दिख रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू तो आपका कुछ टू जैसा है ना, और जब दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टू ना टू जैसा, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे थ्री भी है, लेकिन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो क्या है आपका पी और पी माइनस वन, ठीक है। अब देखो दो नंबर का मल्टीप्लाई, इसको हम लोग जब हाँ, आपको क्या कहा गया है कि दोनों के दोनों अपोजिट साइन के हैं, दोनों के दोनों ये अपोजिट साइन के हैं, मतलब अगर एक आपका पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, दोनों का जो मल्टीपल है ना, इसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ अपोजिट साइंस, मतलब अगर आप एक पॉजिटिव को करोगे और मल्टीप्लाई करोगे नेगेटिव को, तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा ना, है ना, मतलब ये जो टर्म है आपका मल्टीप्लाई वाला ये क्या है नेगेटिव होगा, ठीक है। अब ये नेगेटिव कब हो सकता है, अगर आप पी का वैल्यू अगर इसमें से हम लोग देखते हैं, ठीक है, पी का वैल्यू और उसमें से जब मैं माइनस करूँ कुछ, तो दोनों में से ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कब संभव है, देखो एक ऐसा नंबर जिसमें से जब आप माइनस करो तो एक नेगेटिव हो, है ना, आपको ऐसा चाहिए कि एक कुछ पॉजिटिव हो और जब आप उसी पॉजिटिव में से माइनस वन कर दो तो वो नेगेटिव हो जाए, ये कब संभव है, अगर एक से बड़ा नंबर रहेगा और जब आप उसमें से माइनस वन करोगे तब तो वो नेगेटिव होगा नहीं, मतलब आपका जो भी नंबर है पहली बात तो वो वन से छोटा ही रहेगा, ठीक है, वन से छोटा ही रहेगा, और सिंस कि आपको उसी पी का वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, है ना, उसी पी का वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए, तो वो जीरो से तो छोटा नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए क्या होगा ऐसा नंबर आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए और वन से छोटा होना चाहिए, मतलब ये जो है जीरो और वन के बीच में होगा, ठीक है, समझ रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमको दोनों का अगर ये पॉजिटिव है ना, हमको इसी तरीके से चाहिए कि दोनों एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, अगर पी आपका पॉजिटिव है तो पी माइनस वन नेगेटिव होगा, कब होगा जब आप माइनस वन कर रहे हो, अगर एक से बड़ा नंबर हो गया तब तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना, और यहाँ पर भी अगर एक से छोटा नंबर हो गया तब तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हम लोग को दोनों का मल्टीप्लाई भी नेगेटिव चाहिए, इसलिए जो हमारा पी का वैल्यू है ना, इसलिए हमारा जो पी का वैल्यू है ये जीरो और वन के बीच में रहेगा, क्लियर। अगर देखिए कोई अगर लाइव नहीं जुड़ पाए होंगे उसके बाद कभी भी कुछ भी डाउट होगा आप स्क्रीनशॉट भेज के या मेरे किसी भी वीडियो में कमेंट करके आना बता दीजिएगा, हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से कवर कर लेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं जल्दी से, थोड़ा जल्दी करते हैं, देखिए क्या है आपके पास, लेट एक्स वाई है ना, अगर ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई है इसका मतलब कि एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई है, एंड ऐसा है ना, मेजर ब्रैकेट के अंदर अगर आपका एक्स वाई है तो ये क्या है एचसीएफ है। अब यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया है रूट थ्री अंडर रूट एक्स, रूट थ्री अपन अंडर रूट एक्स, रूट थ्री अपन अंडर रूट वाई का वैल्यू टू है ना, और यहाँ पे 27 अपन अंडर रूट एक्स प्लस टू अंडर रूट टू अपन अंडर रूट वाई का वैल्यू 10, तो आपको बताना है इसका ये एलसीएम था ना और ये एचसीएफ था, ठीक है, तो आपको इसको एक्चुअली में बताना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है एलसीएम एचसीएफ का ही क्वेश्चन, ठीक है, चलिए वही है ना हिंदी इंग्लिश में, तो मैं हिंदी वाला थोड़ा सा हटा रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। अगर हम लोग इसको बोले इक्वेशन वन है ना, अगर मैं बोलता हूँ ये मेरा इक्वेशन वन है और ये मेरा क्या है इक्वेशन टू है, ध्यान देंगे ये टर्म तो दोनों में सेम है ना, ये टर्म क्या है दोनों में सेम है, तो अब हम लोग क्या करते हैं x और y का वैल्यू निकालने का फाइंड करते हैं, मान लो कि इक्वेशन टू में से मैं क्या करता हूँ इक्वेशन वन को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो टू रूट वाई, टू अपन रूट वाई दोनों को कैंसिल हो जाएगा, 23 में से 3 गया तो क्या हो गया 24 अपन रूट एक्स बचा, ठीक है, और इधर क्या है 10 में से 2 गया तो क्या बचा 8, यहाँ से रूट एक्स इधर 8 3 जा तो मेरे को रूट एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, ठीक है, एक्स का वैल्यू मेरे पास 9 आ गया, अब इसको आप एक्स का वैल्यू 9 को किसी में भी पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू 9, ठीक है, अब किस में पुट कर दें, चलो मान लो इन इक्वेशन 1, ठीक है, अब ये क्या हो गया 3 अपॉन रूट 9 प्लस 2 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2, ठीक है 3 कट गया, 1 इधर जाएगा कितना बचेगा 1, और 2 में मैं क्या ऐसा अंडर रूट करूँ कि ये 1 हो जाए, ठीक है, तो नीचे नीचे सेम वैल्यू होना चाहिए है ना, यहाँ तक तब 1 है, 1 प्लस 1 ही 2 होता है, अगर इसको पूरा सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा होगा तो ऐसा करते हैं 3 जा है ना, रूट 9 मतलब तो 3 हुआ ना, 1 को इधर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट वाई इक्वल टू 2, अब इस 2 को आप कट कर लो
टू और टू कट गया वन, तो वन प्लस है ना ये माइनस वन, ठीक है। तो ये टू इक्वल टू अंडर रूट वाई, मतलब वाई का वैल्यू क्या आ गया आपके पास फोर। तो अब आपके पास एक्स और वाई दोनों का आपके पास पता चल गया, एक्स इक्वल टू नाइन है, वाई इक्वल टू फोर है, वाई इक्वल टू फोर है। तो या तो आप इसका एलसीएम एचसीएफ अलग से निकालो, या फिर आपको एक चीज पता होगा एलसीएम एचसीएफ में कि हम दो नंबर का जब भी प्रोडक्ट करते हैं वही उसके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल होता है, दो नंबर का मल्टीपल एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। यहाँ पे 9 इंटू 4 कर दोगे आपका आ जाएगा 36, है ना आंसर 36। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 2 3 रूट 4 चार्ज, 2 थर्ड रूट ऑफ 4 7 थर्ड रूट ऑफ 32 माइनस 3 थर्ड रूट ऑफ 824, ठीक है। देखिए इसमें अब रूट 4 का थर्ड रूट या फिर इसको क्यूब रूट कहिए, है ना, हमको निकालने तो अभी आता नहीं है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में एक ही दिख रहा है। या तो हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक लगा सकते हैं कि ये होगा, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। ये आपका क्या हो गया 2 थर्ड रूट ऑफ 4, इसको हम लोग थर्ड रूट ऑफ 4 मिला सकते हैं क्या, है ना, थर्ड रूट या फिर क्यूब रूट करते हैं, ठीक है। 8 इंटू 4 यही थर्ड, यही होता है ना 32। तो अब इसमें से ये तो 2 का क्यूब है बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका कैसा बच जाएगा 2 क्यूब रूट ऑफ 4, यहाँ से 7 क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 8, है ना, प्लस अब यहाँ पर कितना निकलेगा आपका देखते हैं, ठीक है 864। अगर आपको अंदर में रूट फोर ही बच रहा है तो इसको पहले 4 से कर दो, 4 टू जा 8 4 बन जा 4 6 जा, ये तो खुद 6 का क्यूब है, ठीक है। इसको हम लोग 6 के क्यूब की तरह लिखते हैं, 7 माइनस है ना यहाँ पे माइनस ये 4 इंटू 216 मतलब 6 का क्यूब, ये आपका कितना हो गया 2 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 7 में ये 8 का आप निकल जाएगा, क्या हो जाएगा 14 क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस ये 6 है ना, तो 6 बाहर निकल गया क्यूब रूट ऑफ 4। तो क्यूब रूट ऑफ 4 कॉमन ले लेते हैं, जितना बच रहा है उसको ऐड कर देते हैं, 2 प्लस 4 इज 16, 16 माइनस 6 इज 10, ये आपका क्या हो गया 10 क्यूब रूट ऑफ 4, ये आपका आंसर हो गया 10 क्यूब रूट ऑफ 4 बी, ठीक है। चलिए देखिए, एक थैले में ₹1.50 और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:7 है, यदि उनका कुल मूल्य ₹170 है तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या एवं 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का योग विभाजित नहीं होगा, है ना। देखिए रेशियो में हम लोग इसको पढ़े हुए हैं, क्या कहा गया है कि एक बैग है, जैसे ₹1 का कॉइन है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। तो सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर नंबर का रेशियो दिया हुआ है ना, नंबर का रेशियो पहले वाला अगर 5x है तो दूसरा वाला 6x होगा और तीसरा वाला 7x होगा। और वही अगर बात करें इनके वैल्यू का, ₹1 का जितना कॉइन होगा उसका वैल्यू तो उतना ही होगा, 50 पैसे का जितना कॉइन होगा उसका वैल्यू आधा हो जाएगा। जैसे 50 पैसे का अगर आपके पास 50 कॉइन है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा ₹25, एक कॉइन का वैल्यू आधा होता है ना 50 पैसे का। अगर आपके पास 100 कॉइन है तो उसका वैल्यू कितना होगा ₹50। सिमिलरली अगर आपके पास 7x कॉइन है 25 पैसे का, 25 पैसा मतलब कितना 1/4 रुपीज, रेशियो में हम लोग इसको डिटेल में देखे हैं ना, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि टोटल वैल्यू है कितना 117, टोटल वैल्यू मतलब ₹1 के सिक्के का वैल्यू, 50 पैसे के सिक्के का वैल्यू और 25 पैसे के सिक्के का वैल्यू कितना है 117, है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये आपका कट गया कितना 3, तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखो कितना हो गया 5x + 3x + 7x/4=117, यहाँ पे आप कॉमन ले लो 4, कितना हो गया 20x, 20x + 12x + 7x = 117, ये कितना हो गया 32 + 7 = 39, 3 4 x का वैल्यू क्या हो जाएगा 12, ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया 12। आपको क्या बोला है 50 पैसे और 25 पैसे है ना, टोटल कॉइंस क्वांटिटी का बात कर रहा है, टोटल कॉइंस ऑफ 50 पैसे
एंड 25 पैसे, कितना है 50 पैसे का कॉइन कितना है 6x, है ना, और 25 पैसे का कॉइन कितना है 17x, मतलब ये कितना 13x, 13x मतलब कितना 13 × 12। अब क्वेश्चन में यही पूछा है कि ये किससे डिवाइड नहीं होगा, 13 से तो हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, किससे डिवाइड नहीं होगा, बस 7 से डिवाइड नहीं होगा, है ना, 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देखिए फिर से, अ मिल्क सेलर बाइस मिल्क एट द रेट ऑफ ₹3 पर लीटर, ठीक है, एक मिल्क सेलर है, ये क्या है, ₹3 में खरीद के लाते हैं, he mixes water 1/4 of it, मतलब उसमें से 1/4 का, उसमें वो 1/4 पानी मिला देते हैं, sells the mixture at the cost price, मतलब जितने में खरीदे हैं उतने में ही बेच देते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, 1/4 का आपको चीट कर रहे हैं, ये आपका फॉल्स शॉपकीपर या फिर चीटिंग शॉपकीपर करके करते हैं, जितना वो चीट कर रहे हैं वो उनका प्रॉफिट है ना, क्यों कि वो उतना पानी को ही दूध बोलकर बेच रहे हैं, कितना 1/4 को, 1/4 मतलब कितना 25%, यही आंसर हो गया, क्योंकि 1/4 तो वो फ्री में पा रहे हैं ना, 1/4 मतलब कितना 25%, ठीक है। चलिए ओके, देखिएगा एक क्वेश्चन, अ मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर एंड द वाटर करंट इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट इज अप्रोक्सीमेटली, है ना, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा ये मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर हिंदी में भी, मोटर बोट क्या है 25 किलोमीटर जा रहा है, किसमें, उत्तर दिशा में, है ना, ये देखे, है ना, न्यूज बोलते हैं NEWS, इधर आपका उत्तर होता है, है ना, ये आपका दक्षिण होता है, दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, है ना, और ये आपका क्या होता है, पश्चिम होता है, तो आपको जो मोटर बोट है वो किधर जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो इधर की तरफ जा रहा है ये, कितना 25 किलोमीटर पर आवर में, और 60 डिग्री ईस्ट ऑफ, है ना, मतलब ये दक्षिण से 60 डिग्री में जा रहा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ये क्या है इसका करंट का वेलोसिटी है, ठीक है। देखिए मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऐसा होना चाहिए ना कि जिस डायरेक्शन में बोट जा रहा है 25 किलोमीटर, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जितना करंट जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 25 में से हम लोग किसका बोट के वेलोसिटी में स्ट्रीम का वेलोसिटी अगर माइनस कर रहे हैं, स्ट्रीम का वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो आपका हाइपोकॉस थीटा कहलाएगा, हाइपोकॉस थीटा मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है आपका करंट का वेलोसिटी 10 किलोमीटर, है ना, 10 किलोमीटर और इसी में 10 cos 60 डिग्री, ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, मैं आपको बताऊँ cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो 25 में से ये आपका हाफ हो जाएगा, है ना, 10 × 1/2 मतलब 5, तो इसका आंसर 20 किलोमीटर पर आवर आना चाहिए, है ना, लेकिन जैसा कि आपका विभाग वाले भी आंसर लिए थे, है ना, एक अलग फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है ये हम लोग कितना होता है v b बोट का वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस करंट की वेलोसिटी का स्क्वायर, और हम लोग इसको इसी डायरेक्शन में ला रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपका बोट जा रहा है, यहाँ तक तो 60 डिग्री है, इधर का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, वी बी बोट का वेलोसिटी कितना है 25 का स्क्वायर, करंट का वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 × 25 × 10 और cos 60 का वैल्यू होता है माइनस हाफ, ठीक है, इसको हम लोग सब कोई सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाता है 22 किलोमीटर, ठीक है। चलिए विभाग इस वाले से लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में आपको जा रहा है उसी डायरेक्शन में करते हैं, इन अ विलेज देयर आर 5 मैन फॉर एवरी 4 वुमेन, ठीक है, क्या कहा गया है, मैन और वुमेन का रेशियो दिया हुआ है, 5 मैन है जब 4 वुमेन है, एंड 5 चिल्ड्रन फॉर एवरी 2 मैन, है ना, मैन और चिल्ड्रन का क्या कहा गया है कि 5 चिल्ड्रन है हर 2 मैन के लिए, इफ देयर आर 648 वुमेन देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, अगर 648 वुमेन है तो सबसे पहले बात हम इसको एक रेशियो में ले आते हैं,
एक रेशियो में लाने के लिए बीच वाला टर्म कॉमन होना चाहिए, तो इसको हम लोग वुमेन को ऐसा लिख लेते हैं, वुमेन को लिख लिए पहले, मैन को लिख लिए बाद में, ये क्या हो गया 4:5 है ना। और यहाँ पर क्या है, मैन रेशियो चाइल्ड कितना है 2:5। अब इसको हम लोग एक रेशियो में लाएंगे, कहते हैं वुमेन रेशियो मैन रेशियो चाइल्ड, ठीक है। सबसे पहले दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो 4 2 8, इनको नहीं पता है मैं लिख देता हूँ 4 2 8, फिर पहले का डिनोमिनेटर सेकेंड का न्यूमरेटर 5 × 2 और लास्ट में दोनों का डिनोमिनेटर 5 × 5, ठीक है। क्या हो गया 8:10:25। अब आपको वैल्यू किसका दिया हुआ है, अगर पहला वाला वुमेन है 8x, मैन है कितना 10x और ये कितना है आपका 25x है ना। आपको किसका वैल्यू दिया है, वुमेन का, वुमेन कितने हैं 640x, वुमेन कितने हैं, वुमेन है आपके 8x और ये कितना है 648, x का वैल्यू निकल जाएगा 8 8 64 और 1 है ना, x का वैल्यू आ गया 1। आपको क्या पूछा है, टोटल पॉपुलेशन, तो टोटल पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन कितना है आपका, टोटल पॉपुलेशन टोटल तो 8 + 10 = 18 और 25, यही पूछा है ना, ठीक है। कितना हो गया आपका, हो गया आपका 43x, कैसे आया अलग से लिख देता हूँ, 8x + 10x + 25x = 43x, और x का वैल्यू आपको पता ही है कितना 81, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3483। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज, है ना, किस फ्रैक्शन का वैल्यू चाहिए, इसके लिए आप लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आना चाहिए। तो मैं आपको एक का मेथड बता देता हूँ, एक का शॉर्टकट बता देता हूँ, ठीक है। पहले अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, एक का मेथड बता देता हूँ, स्क्वायर रूट है ना, ये अभी मैं स्क्वायर स्क्वायर इसको मेथड बता दे रहा हूँ। जैसे आप इस तरीके से लिखोगे 1 2 4 6 0 9 1 2 4 6 0 9, आपको स्क्वायर चाहिए, दो दो का पेयर बना लो, ये राइट साइड से बनाते हैं दो दो का पेयर। उसके बाद एक ऐसा नंबर जिसको जब आप खुद से मल्टीप्लाई करो तो इस दो के पेयर से छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो सकता है, 3 3 9 है ना, जो इस नंबर को लिख रहे हो यहाँ पे लिख दो। अब इन दोनों को सम कर दो, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, स्क्वायर रूट निकालना हम समझ लेंगे डिटेल में 3। अब यहाँ पे क्या हो गया 46, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर आना चाहिए, दो डिजिट का नंबर बनेगा जब हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इससे जस्ट छोटा वाला कुछ बने, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं 65 5 करता हूँ, ठीक है, 65 5 तो 5 5 25 बचा दो, 5 4 3 और 2 32, ठीक है, 1 हो गया 2 हो गया, फिर से 2 एक साथ नीचे लाइए, इतना इधर कितना हो गया 70। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर जिसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ ऊपर वाले सभी नंबर के सम से, तो या तो इससे जस्ट छोटा है या फिर यही है, यहाँ पे फाइव ना, ये 703 3 2 1 0 9 आगे कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 353, मतलब ये आपका कितना हो गया 353। अब जैसे इसका मैं आपको ट्रिक की तरह बताता हूँ, किसका 1 2 1 6 7, आपको जैसे क्यूब रूट चाहिए ना 1 2 1 6 7, तो राइट साइड से 3 3 का पेयर बनाते चलो, यहाँ पे 0 है। तो अब देखो, जो भी नंबर का आप क्यूब निकालोगे तो हमेशा एक यूनिक है, आपका जो यूनिट डिजिट होगा ना, जैसे जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 होगा उसके क्यूब में हमेशा 1 होगा, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 2 होगा उसके क्यूब में हमेशा 8 होगा, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 3 होगा उसमें हमेशा 3 9 27 हमेशा क्या हो जाएगा 7, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 4 होगा उसके यूनिट डिजिट में हमेशा 4 होगा, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 5 होगा उसके क्यूब के यूनिट डिजिट में हमेशा 5 होगा, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 6 होगा उसके क्यूब में हमेशा 6 होगा, ठीक है। 7 वाले में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 वाले में क्या हो जाएगा 8 8 64 4 8 32 2, है ना, यूनिट डिजिट में बोल रहा हूँ बस, ठीक है, यूनिट डिजिट में बोल रहा हूँ 9, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 9 होगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 होगा
उसके क्यूब की हमेशा यूनिट डिजिट में जीरो होगा। ठीक है, देखो सबके सब अपना यूनिक है ना। तो सबसे पहले आप इसको पीछे से तीन का पेयर देखिए, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि परफेक्ट क्यूब है तभी। ठीक है, पीछे से सेवन, सेवन मतलब आ रहा है यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जिस भी नंबर के यूनिट डिजिट में थ्री है वही उसका क्यूब हो सकता है। ठीक है, अब बचे हुए जो नंबर हैं वो देखो कि वो किसके क्यूब के जस्ट छोटा है। ठीक है, जैसे अगर तीन का क्यूब देखते हैं तो 27 इससे बड़ा हो जाता है और दो का क्यूब 8 इससे छोटा रहता है, जो छोटा वाला है उसका आप मान लीजिए। ठीक है, 23 इसका किसका क्यूब है 23 और ये नीचे के हैं 100। ठीक है, सॉरी 1000। बस अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 8119 बाई 1000 मतलब 8.119 ना, ये आपका ट्रिक। क्यूब रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, हम लोग मेथड भी देखेंगे और उसका ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, है ना। यहाँ से अगर x का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, चलिए x का वैल्यू कितना है आपका 2ab अपॉन a प्लस b, आपको इसका वैल्यू बताना है, x प्लस a, x माइनस a, x प्लस b, x माइनस b। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस सॉल्व करने जैसा है ना, वही चीज हिंदी में लिखा हुआ था। x का वैल्यू यहाँ पे चलो एक एक करके पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं फिर ऐड कर देंगे। जैसे अगर मैं पहले निकालता हूँ x प्लस ए अपॉन x माइनस ए का वैल्यू, x प्लस ए अपॉन x माइनस ए का वैल्यू है ना, तो x की जगह में जो है उसको पुट कर देते हैं 2ab अपॉन a प्लस b, ऊपर में क्या है a है, ठीक है, नीचे में 2ab अपॉन a प्लस b, यहाँ माइनस में a है ना। तो क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं किसको, जो जो कॉमन है कि a अपॉन a प्लस b, इसको कॉमन ले लेते हैं ऊपर से भी नीचे से भी, a अपॉन a प्लस b। तो अंदर क्या बच जाएगा, अगर हम लोग एक बार a ले लिए तो बचेगा क्या 2b, और यहाँ क्या बच जाएगा a प्लस b, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, रुकिए यहाँ साइड में लिखूंगा तो जगह नहीं बनेगा, मैं भी लिखता हूँ, खेलना भी थोड़ा कोई एक साथ नहीं लेते। अच्छा ये तो नहीं बचेगा ना, हाँ किसको किसको कॉमन ले रहे थे, ए अपॉन ए प्लस बी को, ठीक है, नीचे भी ए अपॉन ए प्लस बी को। अब इसमें से हमें ए अपॉन ए प्लस बी निकाल लिया तो बचा क्या 2b, यहाँ का ए तो बाहर जा ही चुका है तो बचा क्या ए प्लस बी है ना, यहाँ पर a अपॉन a प्लस बी चला गया तो बचा क्या 2b, और ये माइनस a चला गया था 1 बचा था, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी है ना, a प्लस बी। अब ये दोनों कॉमन है कट गया, ये दोनों कॉमन है कट गया, 2b प्लस a प्लस बी मतलब क्या हो गया a प्लस 3b, ऊपर की तरफ क्या बचा है a प्लस 3b और नीचे की तरफ क्या बचा है माइनस ए है ना, चलिए इसको उल्टा लिख देता हूँ, 3b माइनस ए, नीचे क्या है सॉरी प्लस था ना ऊपर, 3b माइनस ए। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हम लोग अब सिमिलरली इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, अभी तक जो कर रहे थे वो इसके लिए था। ठीक है, अब x का वैल्यू आप लोग पुट कर लो, पुट ना, अच्छा ये माइनस बी होगा ना, एक मिनट थोड़ा गलती कर रहे थे, ये माइनस था ना यहाँ पे माइनस वन, चलो माइनस माइनस हो जाएगा, 2b में से 1b गया तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस। ठीक है, हाँ अब अगला इसको सॉल्व करते हैं, x प्लस बी अपॉन x माइनस बी, x का वैल्यू जैसा है वैसा पुट कर देते हैं, क्या है x का वैल्यू 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है 2ab अपॉन a प्लस बी प्लस बी, नीचे भी ऐसा ही है 2ab अपॉन a प्लस बी माइनस बी। अब इसमें से हम लोग इसी चीज को कॉमन निकाल देते हैं b को और a प्लस बी को, तो अंदर क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा क्या 2a, और ये b तो कॉमन निकल ही गया था, यहाँ क्या बच गया प्लस a प्लस बी, ये b है ना, ये a प्लस बी, इसके बाद ये आपका ब्रैकेट बंद,
इसमें से भी b माइनस ए प्लस बी को हम लोग कॉमन निकाल दिए, क्या बचा यहाँ 2a माइनस माइनस साइन आ जाएगा तो माइनस ए और ये माइनस बी, सॉरी माइनस ए माइनस बी, ठीक है ऐसा माइनस ए और माइनस ए क्या हो गया आपका इसका वैल्यू, ये दोनों कैंसल, थोड़ा लेंदी है ये, ठीक है ये 3a प्लस बी ऊपर की तरफ क्या बचा है 3a प्लस बी, नीचे की तरफ क्या बचा है a माइनस ए मतलब a माइनस बी। अब देखो अब मेरे को क्या सम करना था, इन दोनों को सम करना था ऐड, ठीक है इन दोनों को मेरे को ऐड करना था क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो दोनों के सम का ही वैल्यू पूछा गया है ना, तो दोनों के सम का वैल्यू आप करते हैं। देखो पहला वाला कितना है 3a 3b प्लस ए, 3b प्लस ए अपॉन बी मै बी माइनस ए, और यहाँ नीचे की तरफ a माइनस बी लिखा है तो इसको मैं b माइनस ए करने के लिए क्या करता हूँ यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा ये भी है ना, बाकी तो ऊपर का जैसा था वैसे ही रहेगा 3a प्लस b। अब मैं नीचे का ऐसा क्यों किया, ताकि दोनों के दोनों सिमिलर हो जाए है ना, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाए, अब नीचे का जो कॉमन है उसको मैं लिख दिया b माइनस ए, अब ऊपर का जो है वो तो ऐड हो जाएगा तो ऊपर की तरफ क्या था 3b प्लस ए माइनस 3a माइनस 3a और माइनस बी, ठीक है तो माइनस 3a क्या बचेगा माइनस 2a और ये क्या बचा माइनस बी है ना, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है माइनस 2a और माइनस 2b, ठीक है अगर मैं यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए दिख नहीं रहा होगा मेरे पीछे है ना, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ माइनस 2a माइनस 2a प्लस 2b अपॉन b माइनस ए, ठीक है b माइनस ए, तो ऊपर से अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ तो ये बच जाएगा क्या b माइनस ए है ना b माइनस ए और नीचे में तो b माइनस ए है ही, तो इसका आंसर क्या जाएगा b माइनस ए और b माइनस ए कट गया आंसर क्या आएगा 2, ठीक है चलिए है ना अच्छा खासा लेंदी था। देखिए इसमें 15 क्वेश्चन और बचा हुआ है लेकिन अभी टाइम काफी ज्यादा हो चुका है तो इसको हम लोग सेकंड पार्ट के लिए रखते हैं। कल मैं चाह रहा था कि हम लोग इसका रीजनिंग वाला पोर्शन को कर लें लेकिन इसके जितने 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको हम लोग कल कर लेंगे, कल 11 AM पर क्लास रखें, ठीक है तो इसी चीज को इसके आगे और 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, नहीं नहीं 15 नहीं रुके सॉरी थोड़ा सा ये अच्छा 5 ही क्वेश्चन बचा है कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है यहाँ क्या है अगर ये जो सिंबल है देखिएगा ये जो सिंबल है ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बस डेसिमल में नहीं होगा, जस्ट बिलो एक्स है ना, ये अगर एक्स का कुछ वैल्यू है तो उससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर, जस्ट छोटा वाला इंटीजर और है ना ये आपका कर्ली ब्रैकेट एक्स का मतलब क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इसमें क्या है आपका देन द सम ऑफ एक्स क्यूब आपको इसका क्यूब है ना एंड किसका बोला है एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू कितना है माइनस 7.91 तो आपको एक्स का वैल्यू बताना है। देखो अब आपको चाहिए इंटीजर है ना, ये इंटीजर होगा मतलब डेसिमल में नहीं होगा, प्लस ये आपको परफेक्ट क्यूब चाहिए है ना, परफेक्ट क्यूब चाहिए तो हम लोग 7 के आसपास ऐसा देखते हैं कि अगर कुछ परफेक्ट क्यूब है तो वो क्या है 8, तो अगर हम लोग मानते हैं कि मान लो एक्स क्यूब का वैल्यू 8 है तो क्या एक्स का वैल्यू 2 हो सकता है ना। अब जब हम लोग इसको 2 में क्या ऐसा माइनस करें कि सॉरी ये तो माइनस में है ना, ठीक है माइनस, ठीक है अब इसमें हम लोग क्या ऐसा माइनस करें, ये तो आपका माइनस में हो जाएगा ठीक है क्योंकि द सम ऑफ आपको इसका सम चाहिए, क्यूब क्यूब ही किसी चीज का निगेटिव में हो सकता है, स्क्वायर तो निगेटिव हो नहीं सकता, ठीक है तो इसका एक्स का वैल्यू हम लोग माइनस अगर 8 मानते हैं तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है माइनस 2 का ही क्यूब तो माइनस 8 होगा है ना, और इसमें हम लोग ऐसा सॉरी ये स्क्वायर था कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है
अब हम लोग इसमें किस टर्म का स्क्वायर करें कि वो आपका इतना हो जाए, तो सिंपल सी बात है एक्स स्क्वायर में 0.09 हो जाएगा, और फिर इसी चीज को अगर हम लोग डायरेक्ट रूट को हटा कर बोलें 0.03 हो जाएगा। तो अब हमारे पास किसका दोनों का वैल्यू है, देखो तो है ना, मेरे पास दोनों का वैल्यू है किसका, ये बिग ब्रैकेट जो कि इंटीजर है निगेटिव में होगा, है ना, निगेटिव में क्योंकि स्क्वायर कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसका वैल्यू आपको मिल गया क्या -2। और इसमें हम लोग क्या ऐसा माइनस कर रहे थे, तो इसमें हम लोग 0.3 को माइनस कर रहे थे। अब हमको क्या बोला है, दोनों का सम, है ना, सम, तो इसमें मैं -2 में मैं प्लस 0.3 को माइनस करूंगा, तो मेरा आंसर क्या जाएगा -1.7। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों किए, ये इंटीजर ही होना था, 7 से थोड़ा सा, हाँ 7 के आसपास ही, जो परफेक्ट क्यूब हो तो क्या है 8। ठीक है, क्योंकि इंटीजर कहा गया है ना, डेसिमल में नहीं हो सकता, और निगेटिव क्यों लिए हैं कि स्क्वायर वाला टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, चलो ओके आगे क्या है, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किसी समीकरण का अल्फा और बीटा क्या है के मूल है, मतलब, और आगे क्या कहा गया है इस इक्वेशन के, देन द वैल्यू ऑफ आपको अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू, क्यू क्या है आपका यहाँ पर है क्यू, और बीटा ये यहाँ देख लीजिएगा वहां लाइन आ गया, तो बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस क्यू, इसका आपको वैल्यू बताना है। देखिए ये इन दोनों का रूट है, दोनों का रूट मतलब जब भी हम लोग इस तरीके से रूट लिखते हैं, ये हमारा कुछ इस तरीके से लिखाता है ना कि अगर एक्स स्क्वायर है, बीच वाला जो टर्म है वो दोनों का सम रहता है, उसके दोनों रूट का सम रहता है यहाँ पर एक्स, और जो लास्ट में रहता है यहाँ पर क्या रहता है, दोनों रूट का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ मतलब हम लोग समझ सकते हैं क्या कि अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या है पी के बराबर है, कहाँ से, यहाँ से, है ना, और एक चीज पता चल गया क्या कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। अब हम लोग क्यू के जगह में दोनों में इसको पुट करते चलें क्या, ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ले आते हैं अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस क्यू प्लस, है ना, यहाँ क्या है बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस क्यू, अब इसका वैल्यू बताना है, तो क्यू का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन, ये बीटा है ना, बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ से आपका अल्फा दोनों में कॉमन आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से आपके पास अल्फा दोनों में कॉमन दिख रहा है, अल्फा अल्फा कट जाएगा, ये बचेगा क्या ऊपर की तरफ अल्फा प्लस बीटा बचेगा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर जब बीटा बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फा, है ना, बीटा प्लस अल्फा रहने के लिए वही चीज है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बीटा का नीचे स्क्वायर, है ना, ठीक है, ये एक बार कॉमन लेके दोनों तरफ से कट गया, मैं ऐसा लिखा हूँ ना अल्फा अपॉन अल्फा को मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ क्या है बीटा को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, वही चीज है। अब यहाँ पर यही टर्म आपका दो बार ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 2 बीटा प्लस अल्फा या फिर अल्फा प्लस बीटा, सेम चीज है, ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपके पास पी पहले से ही है, तो ये क्या हो गया 2/p, है ना, ये चीज आपका 2/p है, इसको मैं अलग कलर से कर दे रहा हूँ ताकि जब आप लोग देखें तो आपको याद है ये यहाँ पर है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 3 क्वेश्चन आ गया, इफ द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 45, आपको इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या कहा गया है 45 है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 45, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पहले तो क्या होता है, कोन कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, ये आपका होता है पाई आर एल, और इसका वैल्यू आपको दिया है कितना 45, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 5 यूनिट, है ना, ये जो है आपका ये कितना है 5 यूनिट, देन इट्स हाइट, आपको ये हाइट पूछा गया है h, है ना, ये एक आपको राइट एंगल ट्राइंगल की तरह दिखेगा आपको, अगर आप l निकाल लेते हो तो आप परपेंडिकुलर की तरह इसको मानकर, है ना, परपेंडिकुलर की तरह मानकर आप h भी निकाल सकते हो, देखो पाई आर l, अब आपको पास r है, ठीक है, पाई है, r का वैल्यू 5 है, l का वैल्यू निकालना है इधर 45, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि पाई पाई कटेगा,
फाइव फाइव कटेगा है ना, काट ही दे रहा हूँ, फाइव फाइव कटा, फाइव एट जा, एल का वैल्यू कितना आ गया आपका एट। ठीक है, अब मेरे को हाइट चाहिए, ठीक है हाइट चाहिए ये वाला, तो हाइट क्या हो जाएगा, हाइट आपका परपेंडिकुलर की तरह है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस है ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो आठ अट्ठे आठ स्क्वायर माइनस फाइव का स्क्वायर। ठीक है, तो आठ अट्ठे कितना हो गया आपका चौसठ माइनस ट्वेंटी फाइव। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट थर्टी नाइन, अंडर रूट थर्टी नाइन, तो इसमें से इतना तीन होगा ना पांच होगा ना सात होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा बचा है और क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन। यहाँ पर आपको इफ 2.3x plus 3.y equals to 1.5 है और 3.x plus 2.65 equals to 3.6 है, तो ये इसका वैल्यू, इसका मतलब होता है ना एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ये जो आप साइन देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब अगर कुछ अगर टर्म निगेटिव में आ रहा है तो आप उसका पॉजिटिव बताएंगे। ठीक है, तो वो आपको बताना है। चलिए वही हिंदी इंग्लिश में है तो मैं एक बस यहाँ पे हटा रहा हूँ। देखिए क्या लिखा है, 2.3x plus 3.y है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन वन और इसको नाम देते हैं हम लोग इक्वेशन टू। ठीक है, देखिए इक्वेशन वन से मैं एक्स का वैल्यू निकालता हूँ, वाई में पुट कर दूंगा, तो ये आपका कितना है 2.3x है, 2.3x है और यहाँ क्या है 3.1y है इक्वल टू 1.5 है। ठीक है, अब इसको इधर माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2.3x इक्वल टू 1.5 माइनस 3.1y। ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 3.1y डिवाइडेड बाई 2.3। अब इस x के वैल्यू को आप पुट इन इक्वेशन टू, पुट इन इक्वेशन टू। ठीक है, यहाँ पर अब आपके पास क्या हो गया 3.1 ना, पुट इन इक्वेशन टू। ठीक है, 3.1 x की जगह में हम लोग डायरेक्ट इसको पुट कर रहे हैं 1.5 माइनस 3.1 है ना, 3.1 y 2.3 प्लस 2.6y इक्वल्स टू 3.6। ठीक है, चलिए ये बस सिंपल सा है, सॉल्व करने वाला है, जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया जा रहा हूँ। यहाँ पे इसको आप जैसे कि सॉल्व करोगे ना तो आपके y का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 1 आ जाएगा और जब आप इसको पुट करोगे, पुट किसी भी इक्वेशन में, मान लो मैं 1 में पुट करता हूँ, तो मेरे x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। ठीक है, x का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी y का वैल्यू माइनस वन आएगा ना, माइनस वन। ठीक है, और x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 2। अब आपको क्या बताना है, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, माइनस वन इंटू टू, टू ये क्या आ जाएगा आपका 2, एब्सोल्यूट ना इसका। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं, एब्सोल्यूट मतलब जो भी है आप उसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, सिर्फ पॉजिटिव आंसर लिखो। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, टू ट्रेंस, आज का मतलब ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, टू ट्रेंस ईच कितना है 0.100 किलोमीटर, मतलब इसको 0.100 किलोमीटर या फिर कहिए 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं 100 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 मीटर। अब क्या है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर एंड 50 मीटर पर सेकेंड, द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज सेम, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट चेंज करने का है। ठीक है, देखिए एक ट्रेन आ रहा है, दूसरा ट्रेन अपोजिट साइड से आ रहा है, रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा और आपको टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है जो दोनों ट्रेन का लेंथ है LT1 प्लस LT2। ठीक है, अगर एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है ना, जैसे अगर यहाँ पर एक ट्रेन है, सिर्फ इतना एक ही ट्रेन क्रॉस करेगा तब तो नहीं क्रॉस होगा, जब दूसरे ट्रेन को भी पूरा क्रॉस कर जाएगा है ना, मतलब इसका जो एंडिंग है ये इसके एंडिंग को भी क्रॉस करेगा, इसके लास्ट को भी क्रॉस करेगा, तभी तो ये क्रॉस होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग दोनों का लेंथ को सम करते हैं जब हम लोग ट्रेन पढ़ेंगे और डिटेल में देख लेंगे। ठीक है, और स्पीड एक आपका किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारे चीजें मीटर पर सेकंड में ही है, तो 36 किलोमीटर पर आवर है। देखिए
किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में कर रहे हैं तो छोटा वाला ऊपर रह जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में करेंगे तो 18/5 होता है ना। यहाँ पर मैं सिंपल सा 5/18 लिख देता हूँ और दोनों का आपका स्पीड सम हो जाएगा रिलेटिव। ठीक है, चलो यहाँ पर फॉर्मूला की तरह लिख दे रहा हूँ, ST1 + ST2। ठीक है, देखो ऊपर की तरफ क्या हो गया 100 + 100 मीटर में ही, नीचे की तरफ क्या हो गया 36 में है, इसको हम लोग ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए और प्लस ये 50। ठीक है, बस आ गया, इसको सॉल्व ही करना है, सॉरी 5/18 ना, 5/18। ठीक है, तो इसको सिंपल सा है, 18 × 2 = 36, 2 × 5 = 10, 10 और ये कितना हो गया 25, तो आपका कितना बचा 200/25, मतलब कितना होगा 8 सेकंड होगा, यही होगा इसका आंसर बिल्कुल। ठीक है, चलिए अभी तक हम लोग देखिए जो 2015 में रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पेपर था उस पर जो एप्टीट्यूड है 2015 का एप्टीट्यूड पार्ट का 30 क्वेश्चन थे, तो 30 out of 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसी ईयर का रीजनिंग वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसके पहले हम लोग 2018-2017 का एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूरा सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग को जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट कर देंगे है ना, और अपना डाउट कमेंट कर देंगे। ये PDF आप जल्दी डाउनलोड कर सकते हो, तो इसका जो थंबनेल होगा आप क्लिक करेंगे आपका उस ईयर का वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व आपका चालू हो जाएगा है ना, वीडियो आपका यूट्यूब में ओपन हो जाएगा। बाकी यूट्यूब में हम लोग डेली 11 AM पर एप्टीट्यूड को कहिए मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली लाइव करते चल रहे थे, अभी थोड़े दिन से बंद है, वो हम लोग फिर से जल्दी चालू कर लेंगे। इसके अलावा अगर किसी का कुछ भी सजेशन होता है, कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, हम लोग वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। इमेज भेज के पूछना है आप टेलीग्राम के ग्रुप पर भेज सकते हो है ना, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी नोट्स स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा PDF है, जैसे ये क्वेश्चन पेपर है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर, में आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, मॉडल आंसर मिलता है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, और जो भी एडिशनल है लाइक मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक प्रोफाइल, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ना। फिर हम लोग अब जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग देखेंगे 2015 का रिजल्ट। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।